तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो यह वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही खास टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब टॉपिक का नाम हम बोलेंगे नहीं, सर आप क्या नहीं बोलिएगा, थंबनेल और टाइटल में हम नहीं पढ़ लिए हैं, ऐसा आप कह रहे होंगे। तो चलिए, समझ ही गए तो उस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। और जो भी बच्चे अभी तक प्रो बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, प्रो बैच क्या है, जिसमें मैं पर्सनली आपको अपने गाइडेंस में संस्कृत का प्रिपरेशन आपका करवा देता हूं टर्म टू बोर्ड एग्जाम का। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे गाइडेंस में आप संस्कृत का प्रिपरेशन करें, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फुल डिटेल वीडियो बना दिए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं कि आज कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बहुत ही खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं, घटनाक्रम। ठीक है स्टूडेंट, घटनाक्रम। ठीक, अब एक बात शांति से सुन लीजिए। जिस प्रकार आपका स्कूल का नाम है राहुल, आदित्य, अब दो लड़का तो दो लड़की भी, रिंकी, पिंकी, लेकिन आपका घर पे क्या नाम होगा, चिंटू, मिंटू, छोटू, छोटी। ठीक, तो उसी तरह घटनाक्रम का भी बहुत तरह का नाम है। जिस तरह से आपका नाम चिंकू मिंकू घर पे और स्कूल में राहुल प्रताप, इस टाइप से, तो इसी का भी घटनाक्रम कथा लेखन। ठीक है, ठीक है, कथा लेखन, कथाक्रमानुसार, कथाक्रमानुसार। तो ये सब जो भी नाम है स्टूडेंट, ये सब का मतलब होता है घटनाक्रम। ऐसा ना हो कि आपको हम घटनाक्रम पढ़ा दें और आप बोर्ड के एग्जाम में जाएं और वहाँ पे टाइटल में लिख दें कि कथा क्रमानुसार, बस वहीं पे आप पलटी मार दें कि अरे सर, ये तो पढ़ेवे नहीं किए थे आप, कथा क्रमानुसार क्या होता है। तो वही जो है इसका चार पांच नाम है, कहानी लेखनम, कथा क्रमानुसार, घटनाक्रम, कथा लेखनम। ठीक है, फलाना चिलाना, नौवा नंबर क्वेश्चन में यह रहेगा। उसके बाद यह टोटल कितने मार्क्स का आएगा टर्म टू में, तो चार नंबर का आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स का ये आएगा। टोटल 8 घटना रहेगा, जितना घटना आपका सही होगा उतना आधा आधा मार्क्स आपको मिलता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक घटना आप गलत कर दिए तो पूरा का पूरा मार्क्स कट जाएगा, बिल्कुल नहीं। टोटल आठ आपको देगा 8, और उसी को सजाना रहेगा, अरेंज करना रहेगा। मान लीजिए कि आपका 4 सही है तो आपको 2 मार्क्स दे दिया जाएगा, ये आप लोग जान लीजिए। उसके बाद टर्म टू में एक और बात जान लीजिए, अभी घटनाक्रम तो कराएंगे ही, लेकिन उससे पहले सारा बात बता देते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं। घटनाक्रम आप सही भी बना के आएंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा अगर ये गलती आप कर देंगे जो बताने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। ठीक, हुलबुल्ली नहीं कीजिए। हमारे इधर गांव में एक कहावत है कि हुलबुल्ली का ब्याह कनपटिए में सिंदूर। इसका मतलब होता है कि शादी में लड़का इतना ज़्यादा, लड़का लड़की मतलब कि घबराहट में आ गए थे कि सिंदूर मांग में भरना है, मांग मेरी भरो, कि सिंदूर यहीं लग गया, तो उसी को कहते हैं कि हुलबुल्ली का ब्याह कनपटी में सिंदूर। ठीक, तो ऐसा हुलबुलाना नहीं है। हुलबुलाना का इंग्लिश होता है, लंदन वाली मैम बोलेगी पेशेंस होता है, ठीक है, धैर्य। ठीक, 4 नंबर का आएगा। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए अनअकैडमी लेके आया है। अनअकैडमी का प्रोजी जो चल रहा था उसका डेट एक्सटेंड हो चुका था, जो है 27 फरवरी को टाइम है 12 बजे से 1 बजे तक। तो सभी लोग प्रोजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितने भी फूफा जी के भतीजा भतीजी है, जाके प्रोजी में धमाका कर दीजिए और कोड लगा लीजिएगा फूफा 10। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद एक और आप लोग के लिए बेनिफिट है अनअकैडमी की तरफ से, कि अगर आप लोग 3 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 महीने का आपको एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा, और साथ ही 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको कोड लगा लेना है फूफा 10, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ ही अभी अनअकैडमी आप लोग को एक और ऑफर दे रहा है, कि अगर आप लोग 12 महीने या उससे ज़्यादा का प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करते हैं
तो 2 महीने का आपको फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। और आप अगर कोर्स हिंदी कोर्स ए है आपका, तो आप टारगेट टर्म 2 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हिंदी ए मैं ही पढ़ा रहा हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सबसे लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि सभी बच्चे मेरा अनएकेडमी का प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए, ठीक है। फूफा जी का कॉन्टेंट वहाँ भी आपके लिए आ रहा है सभी बच्चों के लिए, तो सभी जाके नीचे प्रोफाइल लिंक फॉलो कर लीजिए, बहुत क्लासेज वहाँ पर मैं आपका कराने वाला। उसके बाद कौन से चैप्टर से टर्म 2 में आएगा, तो चैप्टर नंबर 7 से आएगा। चैप्टरों का नाम लिख दे, सौहार्दम प्रकृति ही शोभा चैप्टर से, और दूसरा हमारा आएगा चैप्टर नंबर 8 से, यानी कि विचित्र साक्षी चैप्टर से। 2 चैप्टर से घटनाक्रम आएगा। एक बात बता देते हैं कि घटनाक्रम वही बच्चा सही सही पूरा 4 में 4 लाएगा जो दोनों चैप्टर को बढ़िया ढंग से पढ़ के जाएगा, दोनों चैप्टर का वर्ड मीनिंग को याद करके जाएगा। अब आप कहेंगे सर वर्ड मीनिंग तो पूछेगा नहीं, याद क्यों करे, तो बोर्ड एग्जाम में एड सब्ट्रैक्ट भी पूछेगा, नहीं पूछेगा तो फिर उसको क्यों याद करना है, ठीक। मैथ में काम आएगा कि नहीं आएगा, तो उसी तरह वर्ड मीनिंग भी काम में आएगा। उसके बाद घटनाक्रम अभी कराएंगे, उससे पहले सारा डाउट क्लियर करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन जब आपसे घटनाक्रम आएगा, तो घटनाक्रम पूरा पूरा लिखना रहता है, ऐसा ना हो कि हाँ सर पहले क्या है ख लग रहा है सही, तो ख लिख दिए, फिर घ लिख दिए, ठीक है, फिर च लिख दिए, फिर अंग लिख दिए, और फिर क लिख दिए, और चल आया पूरा घटना सही बना है, अरे बाप रे बाप, पूरा नंबर आएगा, अरे नंबर पे नंबर, सारा नंबर वहीं काट देगा टीचर, लेते रहिएगा ठंडन गोपाल। पूरा का पूरा घटना लिखना रहता है, ठीक है। जैसे आपको 9 नंबर में घटना पूछेगा, तो पूरा ऐसे दीजिए क ख ग घ जितना तक रहे, 8 तक रहेगा ज तक, और पूरा जो जो घटना आपको लगे उसमें फिलअप करते जाइए। अभी जैसे हम बताएंगे, ऐसी गलती मत कीजिएगा कि क ख ग ग लिख दीजिएगा, कहिएगा आए आए मुझे मार्क्स दे दो, तो पूरा का पूरा घोटाला हो जाएगा, और पूरा चैप्टर अच्छा ढंग से आना चाहिए। अब चलिए घटना लिखते हैं और आपको बताते हैं कि घटनाक्रम बनता कैसे है। उससे पहले एक और खास बात बता दे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, पेंशन भेजने लेने भेज देना है टेंशन को। और अंत में बराती वाला भी घटना बताएंगे जो मेरे साथ हो गया, उसके बाद हमने पूरा कान पकड़ लिया कि बारात तो किसी के भी नहीं जाएंगे, अब जाएंगे तो अपना ही बारात में जाएंगे, क्योंकि बारात में हमारा शादी हुआ तो लड़का का रहना जरूरी है, इसलिए नहीं तो किसी के बारात में भी नहीं जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इन्हीं बातों के साथ घटनाक्रम। अब चलिए स्टूडेंट, आपको घटनाक्रम का पूरा चिट्ठा खोल दिए कि घटनाक्रम होता क्या है, कैसे इसमें मार्क्स लाना है, कैसे अच्छे ढंग से घटनाक्रम को लिखना है, कौन कौन से चैप्टर से घटनाक्रम आएगा। एक बार और बता दे, चैप्टर नंबर 7 सौहार्दम प्रकृति है शोभा, और चैप्टर नंबर 8 विचित्र साक्षी से घटनाक्रम आएगा। अब देखिए आपके सामने है ये घटनाक्रम, अब जैसे ही ये घटनाक्रम को देखें चक्कर खा के सर गिर रहे हैं, सर ये कौन सा घटनाक्रम है, सर हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर आप अपने दिमाग में एक बात याद रख लीजिए मेरी, पहले ही ये बैठा लेंगे कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक भी घटनाक्रम आपसे नहीं बनेगा। और एक बात जान लीजिए, हम है फूफा जी, आपको बहुत 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, ठीक, अब फिर भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है, तो मेहनत करने की जरूरत है। और फिर से बता दे कि घटनाक्रम में अगर आप चाहते हैं कि 4 में 4 नंबर हमारे झोली में गिर जाए, तो आपको सौहार्दम प्रकृति शोभा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 विचित्र साक्षी जुबान पे याद होना चाहिए, ठीक है, एकदम आपको पता होना चाहिए कि किस लाइन के बाद कौन सा लाइन आता है, तभी आप घटनाक्रम सही कीजिएगा। इसमें ये नहीं है कि किधर से भी आए ऐसे घूम घूम के, ठीक है, मारे छक्का चौका, ऐसा वाला नहीं है, चैप्टर पढ़िएगा तभी होगा। और क्या है बाबू, 2 चैप्टर नहीं पढ़ सकते क्या, स्टूडेंट कहलाइएगा, जल्दी से जाके पढ़िए, बुरा लग गया होगा माफ़ी मांगते, लेकिन 2 चैप्टर नहीं पढ़ पाइएगा, बताइए। घटनाक्रम तो सही होगा ही, आपका क्वेश्चन आंसर भी सही हो जाएगा, क्या बात करते हैं, जल्दी से पढ़िए, कंप्लीट कीजिए जो नहीं किए, और जो किए हैं वो भी देखिए, जो नहीं किए वो भी देखिए, अभी सिर्फ समझिएगा, बाकी बात खुद से बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने हमने लिखा ये घटनाक्रम, अब शांति से रुकिए, कैसे बनाते हैं, कैसे शांति से इससे लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को देख के आप डर जाएंगे तो वहीं पर समझिए आपका लुटिया डूब गया। क्वेश्चन के सामने सीना चौड़ा करके ऐसे रहिए,
नहीं भी आए तो एकदम शान से रहिए कि हमको आता है, क्वेश्चन भी डर जाए कि किस बच्चा से हमारा पाला पड़ा है। ठीक है, अब बताइए कि ये कौन से चैप्टर का घटनाक्रम है, एक दो लाइन पढ़िएगा आपको पता चल जाएगा, दो ही चैप्टर से तो आ रहा है। सोचिए आज से पहले जो बोर्ड एग्जाम होता था 12-12 चैप्टर से घटनाक्रम आता था, आपको तो पहली बता दिया सीबीएसई अंकल कि दो ही चैप्टर से बउआ पूछेंगे, तो ये कौन से चैप्टर का है, कुछ भी लाइन आप पढ़ के पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, कश्चन निर्धन जन, अरे सर ये तो विचित्र साक्षी का है, वो गरीब व्यक्ति जो अपना बेटा का एडमिशन कराता है। ठीक, पकड़ लिए कि विचित्र साक्षी का ये घटनाक्रम है, विचित्र साक्षी का। पहला काम चैप्टर पकड़ना है कि कौन से चैप्टर का है। अब दूसरा काम, सर क्या दूसरा काम, ये पकड़ना है कि चैप्टर के बीच से घटनाक्रम पूछा है कि ऊपर से पूछा है, मतलब स्टार्टिंग से, या नीचे से पूछा है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा, जैसे विचित्र साक्षी से ये घटनाक्रम है तो विचित्र साक्षी की कहानी क्या है बताइए, कि एक गरीब व्यक्ति रहता है, किसी भी तरह पैसा जमा करके अपने बेटे का क्या कराता है, एडमिशन कराता है। फिर उसका बेटा बीमार पड़ जाता है, उसको देखने के लिए वो जाता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वह बस से जाए, बेचारा पैदल ही चलता है। फिर एक चलते चलते शाम हो जाता है, तो एक गांव में वो किसी घर में रहने, मतलब कि रात गुजारता है। फिर पता चलता है कि अरे बाप रे, इसी पे चोरी का इंजाम लग गया, याद है। फिर अंत में इसके साथ न्याय हो जाता है, क्योंकि सारा कहानी तो आप जान ही रहे। तो यहाँ पे आपको पढ़ पढ़ के पता करना है, और दो तीन बार चैप्टर पढ़े रहेंगे ईमानदारी से। ठीक है, भाड़ा टालने के लिए नहीं कि पढ़ना है तो किसी भी तरह पढ़ के बलाएं हटाओ। ठीक है, ईमानदारी से तो आपको पता चल जाएगा। अब एक एक लाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिए और शांति से बनाना स्टार्ट कीजिए। अब आप कहेंगे सर कैसे, रुकिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि शुद्ध शुद्ध आपको संस्कृत आए, अरे टूटा फूटा भी आ जाएगा तो बन जाएगा, क्योंकि कहानी कोई नया नहीं है, ये कहानी आप पढ़े हुए हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि घटनाक्रम वही पूछ रहा है जो आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है, चैप्टर 7 में या चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 से पूछ देगा तो सोने पे सुहागा, सबसे हल्का उसी से आएगा। ठीक, तो 9वां नंबर क्वेश्चन जब आप बोर्ड में जाएंगे तो घटनाक्रम का रहेगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। ठीक है, का है कि मोबाइल जो है ना धोखा दे रहा है, सब आजकल धोखा देता है सबको, उसी तरह मोबाइल हमको दे रहा है। तो 9वां नंबर का क, ठीक, ख, जिस नंबरिंग से ये है, क ख ग घ, तो क ख ग घ, रोमन नंबर में रहे तो रोमन नंबर, 1 2 3 4 5 में रहे तो 1 2 3 4 5 आप लिखिएगा। तो क ख ग घ अंग च छ और कहाँ तक है, ज तक है, तो ज तक हमने लिख दिया, क ख ग घ अंग च छ ज लिख दिया हमने। ठीक, अब चलिए एक एक लाइन इसको पढ़ना शुरू कीजिए, और इतना तो बेवकूफ नहीं होइएगा चैप्टर पढ़ने के बाद कि थोड़ा भी मतलब नहीं समझिए। जैसे देखिए, अब हम भी एक टीचर हटाइए, अब टीचर हम हट गए, अब हम भी एक स्टूडेंट के तौर पे इसको पढ़ते हैं आप ही के तरह, हमारे साथ पढ़िए। तेन बितेन तत्पुत्रम महाविद्यालय प्रवेशम दापयतुम सफल जातः। सर शब्दार्थ याद रहता तो पूरा बन जाता है। सबसे पहला पॉइंट कि जो भी बच्चा अभी तक शब्दार्थ याद नहीं किया है, जाके याद कीजिए, दो तीन बार कॉपी पे लिखिएगा, याद हो जाएगा। जैसे बितेन, बितेन के मतलब क्या हो गया, रुपया, मनी, ढेउआ, ये हो गया बितेन का मतलब। ठीक, तत्पुत्र महाविद्यालय विद्यालय प्रवेशम दाप्य तुम सफल जात, क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि वह अपने बेटा का एडमिशन दिलाने में सफल हो गया। कहानी से याद कीजिए, चैप्टर नंबर 8 याद है, बेचारा पैसा जमा किया, फिर एडमिशन कराने में क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। पहला लाइन का मतलब यही हुआ, टूटे फूटा समझना है, कोई भी शुद्ध शुद्ध नहीं समझना है। ठीक, अब चलिए, तत्र निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। तत्र निवसन अध्ययने, मतलब वहीं पे रहकर वो क्या होने लगा, पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ने लगा। दूसरा लाइन समझ के रखिएगा, अभी लाइन फिर बनाएंगे। पिता पुत्रम द्रष्टुम प्रस्थित, पिता पुत्रुम द्रष्टुम प्रस्थित, मतलब सर पिता जो है, मतलब फादर, पुत्र को द्रष्टुम मतलब देखने के लिए सर चल पड़ा या बेचैन हो गया था। सर हम थोड़ा थोड़ा याद कर पा रहे हैं, इसी तरह आप एग्जाम में करते हैं ना। ठीक है, चलिए पिता मान लिए कि देखने के लिए बेचैन हो गए। अब देखिए,
आप कहानी में समझे कि पिता देखने के लिए बेचैन हो गए या पिता देखने के लिए चल पड़े, तो कैसे पिताजी जाएंगे? पहले बेटा का एडमिशन होगा, फिर बेटा पढ़ेगा। सबसे पहले तो पैसा नहीं था उनके पास, उन्होंने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया, फिर बेटे का एडमिशन किया, एडमिशन कराया, और फिर बेटा बीमार हो गया। याद कर पा रहे हैं कहानी? तब तो देखने जाएंगे ना। ठीक, तो क्या अगर मैं पहला यह लाइन लिख दूं, पहला में यह होगा, तो क्या मेरा यह सही होगा? तो आप कहेंगे, सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप गलत हो जाएंगे। इसी प्रकार होता है कि ये नहीं कि घटनाक्रम देखें और जो मन किया सो सेट करके आ गए, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा पढ़िएगा, अपने आप पता चलेगा। अब देखिए, कश्चन निर्धना जन वित्तम उपार्जितवान। अब आप कहेगा, हाँ सर, कश्चन निर्धना मतलब कि कोई निर्धन व्यक्ति ने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया। सर पहला लाइन तो यही है सर, चैप्टर स्टार्टिंग है इससे होता है, तो पहला लाइन ये हो जाएगा। तो बस इसको शांति से उठा के क में शांति से लिख देना है इस प्रकार से कि कश्चन, जो भी यहाँ लिखा हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ अपने मन से आप लिख दीजिए, सेम टू सेम यहाँ पे देख के लिख देना है कि ये क्या हो गया। ये पहला लाइन हो गया, ठीक। और एक बात याद रखिएगा कि जब आप अपने फाइनल आंसर कॉपी में लिखिएगा घटनाक्रम कहानी लेखन, तो पूरा तय कर लीजिएगा कि क्या लिखना है, तब लिखिएगा। ऐसा नहीं कि ये लिख दिया, बगल वाला दोस्त रमेश क्या लिखा है, तू पहला लाइन ग लिखा है, तो हम भी काट के ग लिख दे, ऐसा नहीं। ये लाइन लिख दिए तो लिख दिया, पहले पूरा डिसीजन ले लीजिए क्या लिखना है, ठीक। चलिए अब ये लाइन को क्रॉस कीजिए, इसका मतलब हमने बना लिया। अब हम एक दूसरा मार्कर ले लेते हैं ताकि क्रॉस करें कलर का। चलिए यह इसको क्रॉस कीजिए, ये हमारा हो गया। अब पढ़िए, सह बस यानम बिहाय पदाति रे प्राचलत। चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको हम बताए थे कि जब बेटा उसका बीमार हुआ था, बेटा जब उनका बीमार हुआ था, तो उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि मिलने चलते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उस व्यक्ति ने क्या किया, बस को छोड़कर क्या पैदल ही देखने चला गया। तो क्या यह लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं? आप कहेंगे, सर कैसे लिख सकते हैं, अभी बेटा तो एडमिशन भी नहीं लिया है, अभी बेटा इस घटनाक्रम में एडमिशन लिया है नहीं लिया है, तो फिर यह मिलने क्यों चला गया? तो अभी बेटा एडमिशन लेगा, फिर बेटा बीमार पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलिए, एकदा तस्य पुत्र रुग्ण अभवत। रुग्ण बीमार, शब्दार्थ याद किए होंगे, पता चल गया होगा कि एक बार उसका पुत्र क्या हो गया, बीमार हो गया। तो एक बात तो तय होता है कि एक बार उसका पुत्र बीमार हो गया, तब देखने के लिए ये बस से चला होगा, मतलब ये लाइन इससे ऊपर होगा, इसी तरह बनता है। तत् तन्यः छात्रावासे वस्ति सम, वह छात्रावास में रहता था, तो अभी एडमिशन नहीं हुआ तो छात्रावास में क्या रहेगा। पुत्रस्य रुग्णातम अकर्ण्य सह व्याकुल सजाता, मतलब कि पुत्र के बीमारी से वह बेचारा व्याकुल हो गया। तो अभी कहानी में उसका बेटा बीमार नहीं हुआ है, तो हमने पूरा पढ़ लिया। अब कोई निर्धन व्यक्ति ने पैसा जमा किया, उसके बाद क्या करेगा, तो अपने बेटे का उसी पैसे से एडमिशन कराएगा। चैप्टर में भी लिखा हुआ है कि तेन बी तेन, तो ये वाला जो लाइन है इसको यहां पे आप पूरा क्या कीजिएगा, क जो है पूरा का पूरा यहां पे आपको लिख देना है। अभी हम लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, आपको पूरा का पूरा क लिख देना है। अब बेटा का एडमिशन होने के बाद बेटा क्या करेगा, तो आपको पता है कि बेटा क्या करेगा, तो बेटा का एडमिशन हुआ तो बेटा क्या करेगा, हॉस्टल में रहना शुरू कर देगा, ठीक है। बेटा क्या करेगा, हॉस्टल में रहना शुरू कर देगा। तो यही वाला जो छ वाला है यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, छ वाला जो है यहाँ पे हम लिख देंगे। ये तो आपको हम बता रहे हैं, स्मार्टनेस से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए चैप्टर आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आप गांठ बांध के बाबू रख लीजिए, ठीक है। बस्ती सब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक, कि बेटा का एडमिशन, कोई निर्धन व्यक्ति था, पैसा जमा किया, फिर बेटा का एडमिशन कराने में वो सफल हो गया, ठीक है। ऐसे मत लिखिएगा क, ठीक है बउआ, आप पूरा का पूरा लिखिएगा, आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, ठीक। अब आप कहेगा, सर आप क्यों नहीं लिखे, बाबू हम लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक, आपका ही टाइम जाएगा, टाइम बहुत कीमती है, एग्जाम का समय चल रहा है, ठीक। अब उसका बेटा क्या करने लगा, मार्करवा कहाँ गया, उसका बेटा क्या करने लगा, तो छात्रावास में रह के करने लगा पढ़ाई। ये सारा लाइन जहाँ पे ब्लू लगाए हैं उसको हमने लिख दिया है। अब देखिए, छात्रावास में रहने लगा, अब छात्रावास में रह के क्या करेगा,
क्या करेगा, खिलाई करेगा, नहीं सर पढ़ाई करेगा। तो ये वाला लाइन परफेक्ट है कि तत्र निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। तो हम लोग क्या करेंगे, घ में फिर से लिख देते, रुकिए, क के बाद घ में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लाइन लिख देंगे कि तत्र निवसन, ठीक, कि वहाँ पे रह के क्या करके निवास करके अपने पढ़ाई में क्या हो गया, मन लगाकर पढ़ने लगा, ठीक है, गरीब का लड़का था भाई, ठीक, संलग्न संभूता, सबके लड़के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये लाइन हो गया, क ख ग घ आपका हो गया। अब आप बताइए कि अंग में क्या लिखेंगे। तो अब कहानी में क्या बचा, अब हॉस्टल का काम हो गया, एडमिशन वगैरह हो गया, अब पड़ जाता है बेचारा का बेटा बीमार। तो हम लोग च वाला लाइन लिखेंगे कि बीमार पड़ गया। कोई कोई बच्चा जब ये घटनाक्रम आता है, पिछला हमेशा यही वाला तो आता ही रहता है, इसीलिए तो करा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चा सब क्या करता है, आपका सीनियर सब किया था, एग्जाम की कॉपी चेक किए थे, तो उसमें देखे थे कि इस वाले लाइन को पहले लिख दिया था, सह बस यानम बिहाय पदाती रे प्राचलत। रे बाबू एक बात बताओ, अभी बेचारा का बेटा बीमारे नहीं पड़ा है, तो बस से जाके क्या करेगा बताइए। तो पहले यह बेटा उसका बीमार पड़ेगा, तो हम लोग अंगक ये ख के बाद क्या लिखेंगे, च लिखेंगे कि एकदा, मतलब एक समय, और चैप्टर याद होगा तो ये सब समझने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप लोग लिख दीजिएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एकदा तस्य पुत्र रुग्ण, ठीक, सही से नहीं लिख रहा है, वही लाइन लिख दे रहा है, अला राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ा सा हो जाता है टीचर का खराब। देखिए पेन का आपको दिखा देते हैं, अभी पेन में नहीं है, पेन का पतला होता है, इसका मोटा होता है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग हो जाता है, ठीक। ये आपने लिखा, अब पुत्र बेचारा का बीमार पड़ा, तो पुत्र के बीमार पड़ने पे क्या होगा बताइए, पुत्र के बीमार पड़ने पे व्याकुल हो गया बेचारा, पहले तो व्याकुल होगा कि सीधा बस पकड़ के चला जाएगा, सर पहले व्याकुल होगा, अरे मेरे ही पिताजी हमारे बीमारी पे व्याकुल होंगे ना, आपके भी होंगे, ठीक, तो पहले व्याकुल हुआ। तो अब आप क्या कीजिएगा, अंग के बाद च में आप पूरा ज का कहानी लिख दीजिएगा, ये वाला, पुत्रस्य रुग्ना जो लिखा हो यहाँ पे, अब आप पूरा नहीं लिखेंगे तो कोई बच्चा उसको शिकायत होता है, बात वही रहता है, ठीक है, सह व्याकुल सजाता, ये आपने लिख दिया। अब च के बाद क्या कीजिएगा कि पुत्र व्याकुल हो गया, आप कौन कौन लाइन हम लोग सेट कर चुके हैं, तो सर क वाला लाइन सेट कर चुके हैं, ये लाइन हम लोग का सेट हो चुका है, फिर ये वाला हो चुका है, ये वाला हो चुका है। अब देखिए, अब पुत्र के बीमारी से बेचारा व्याकुल हो गया, तो अब जो है देखने जाएगा बेटा को, तो हम लोग इसके बाद क्या लाइन यूज करेंगे, ग वाला यूज करेंगे, च के बाद छ न है जी, छ में ग वाला लिख देंगे कि पिता पुत्रम द्रष्टुम, जो वहाँ पर लिखा है सीधा लिख देना है, अब इतना लिखवाइएगा तो टाइम बहुत जाएगा। चलिए ये वाला आप लिख दिए, अब जानिए अंतिम लाइन क्या है, छ के बाद क्या हो जाएगा, तो पिता व्याकुल हो गया बेचारा, अब क्या करेगा कि बस के बिना ही चला जाएगा, तो यही अंतिम लाइन लिख दीजिएगा कि सब बस यानम बिहाय पदातिरेव प्राचलत, ठीक, हो गया घटनाक्रम आपका सही हो गया। अब आपका डाउट होता रहता है कि सर घटनाक्रम में मान लीजिए कि एक अगर हम गलती कर दिए तो क्या मेरा पूरा मार्क्स कट जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, जितना आपका सही होगा, ठीक है, उतना आधा नंबर आपको मिलता चला जाएगा। मान लीजिए कि यही आपने लिखा, अब हम कॉपी चेक आपका कर रहे हैं, ठीक है, हम तो चेक करते हैं तो बहुत को दे देते हैं एक दो नंबर ज़्यादा, अब सब हमारी जैसा थोड़ी होता है, फूफा जी जैसा, ठीक है। तो चलिए चेक होने आया आपका कॉपी, लाल कलम पकड़ लिए, तो पहला में आंसर है अगर ये तो लिखे तो आधा नंबर यहाँ आपको मिल गया। मान लीजिए ग में लिखना कुछ और है, आप लिखे कुछ तो कट गया, तो जितना आपका सही सही सेट बैठेगा आधा आधा नंबर, 1/2 नंबर आपका ऐड होता चला जाएगा। तो टोटल 8 सही करना रहता है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, शांति से लिख देना है, ठीक है, हो गया घटनाक्रम बन गया, अब कोनो दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। और घटना को है बेबुआ सही ढंग से बताना पड़ता है, नहीं तो सारा कहानी वहीं पे गुरगोबर हो जाता है। एक शादी वाला कहानी हम बताए थे ना, आपको याद होगा कि बारात वरात में हम नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं कि एक बार हम एक बारात में गए थे, 3-4 साल पहले की कहानी है। तो हुआ क्या कि वहाँ
जो है मतलब हम तो लड़के वाले के पक्ष से थे, ठीक है, एक भैया का शादी था अपना ही रिश्तेदारी में, तो वहाँ पे कुछ हुआ कि हमारे लड़के वाले की तरफ से कुछ लोग क्या किए वहाँ पे मारपीट करना शुरू कर दिए, ठीक, हम तो बेचारे शांत आदमी, तो लड़के वाला सब आया पूछा आप क्या है, लड़के वाले की तरफ से हैं, तो हम सोचे कि हाँ भाई लड़का वाला की तरफ से है तो ये तो शान का बात हुआ, हम कहे हाँ लड़के वाला की तरफ से है, लड़का के भाई हैं, अब आगे हम कुछ बोले उससे पहले हमको वो सब मारपीट करना शुरू कर दिया, नाली होता है ना एक नाली बड़ा वाला उसमें घुसा दिया, ठीक है, ठीक, बहुत मार मारा, ठीक, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिया, जो बात है सो सच बात है, उसमें हम कोई दो मत की राय नहीं कहते, हम भी एक आध फैट दे दिए, अब बालू होता है सैंड वो ले के उसके मुँह पे फेंक दिए कि भाई तुम हमको बिना मतलब के क्यों मारा, ठीक है, ठीक। तो फिर हम घर पे आए तो मत पूछिए, मतलब कि पूरा नहाए उहाए पूरा गांव में ये बात फैल गया कि शादी में इसको मार दिया है बिना मतलब के, मारपीट हो गया है, ठीक है। तो सब जैसे कभी किसी का बारात होता है तो सब हम पे देख के ऐसे हंसता है, ठीक। तो हम कंफ्यूजन में मार खा गए, कांड किया था कोई और, मार खा गए हम। तो वो जो लड़की वाला आया तो वो उसी सब को खोजने आया था, ठीक है, कि को मतलब लड़का वाला के तरफ से कौन मारा, तो हमसे पूछा कि आप लड़का वाला हैं, तो भाई पूछना चाहिए ना कि आप ही मारपीट किए थे, हमसे बिना पूछे हम ही को धो दिया, ठीक। तो फिर हम घर आए तो सब कहानी बताए, तो सब कहा कि ठीक है किया कि दो तीन फैट तुम्हू दिया, बालू झोंक दिया उसके पे, ठीक है। तो घटना हम सही से बताए हैं तब, अगर हम पहली बता देते कि हम आए हैं वहाँ पे दो तीन फैट दिए हैं लड़की वाला के भाई को और बालू भी उस पर डाल दिए, तो सब हम ही को यहाँ हंस देता गिरे कहे ऐसा काम किया। तो पहले हम सीरियल में घटना बताएं, ठीक है, तो आप भी पूरा सीरियल में घटना बताइएगा, ठीक। तो अब हम तो बारात में नहीं जाते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसा कांड दोबारा ना हो जाए। उसी दिन से कान धर लिए भाभी बउआ कि बारात में नहीं जाएंगे, सिर्फ अपना बारात शादी में जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। और वीडियो को दोस्तों के साथ एक बार शेयर कीजिएगा, बाबू सोना के साथ दो तीन बार शेयर कीजिएगा, बारातियों के बात हो चुका है तो बारातियों के साथ तो जबरदस्ती से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। प्रो बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बाय 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 बाय, तब तक के लिए बाय।